Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. I am Hamdat Basum. और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने कोड एंड वेब मास्टर यूट्यूब चैनल पर C++ उर्दू ट्यूटोरियल सीरीज शुरू की है और आज इस सीरीज का हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, अपने वेरिएबल में किस तरह वैल्यू यूज़र से लेकर उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो थोड़ी सी स्लाइड से ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले एक सीन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम, जो वैल्यू यूज़र इनपुट देगा उसको किस वेरिएबल में हमने सेव करवाना है वो उस इस तरह, मतलब के किसी भी स्टेटमेंट में हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डेव सी प्लस प्लस को ऑन करें, कंट्रोल एंड से एक न्यू फाइल जनरेट करें, वही चीज़ यहाँ पे हेडर फाइल लिख लें, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। ये हमारी हेडर फाइल्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप पहले लेक्चर की इस प्लेलिस्ट के पहले लेक्चर पर विज़िट करें तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जब कंसोल विंडो करेंगे, अब इसको मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड में एल की कमी थी। ये देखिए हमारे पास एक, आप इसे गौर से देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंसोल बिल्कुल खाली आ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि प्लीज़ इंटर वैल्यू। प्लीज एंटर वैल्यू, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये देखें वो यहाँ पे कंसोल में लिखा आ चुका है कि प्लीज एंटर वैल्यू। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सी इन का कीवर्ड यूज करेंगे, कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हमने इंटीजर टाइप यूजर से इनपुट लेनी है तो इंट करेक्टर चार जो भी आप इसके लिए यूज़ करते हैं। मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना चाहता हूँ तो मैं ले लेता हूँ इंट ए। ठीक है, इंट ए एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने सेव करवा लिया। जो यूज़र से इनपुट अब आ रही है उसको मैं किस में सेव करवाना चाहता हूँ, ए में। ठीक है, तो करके देख लेते हैं चेक। ये देखें प्लीज़ इंटर अ वैल्यू, मैं 12 इंटर करता हूँ। नेक्स्ट हमें कुछ भी नहीं मतलब मिलता, वो हमसे सिर्फ वैल्यू इनपुट ले रहा है। अब क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ इनपुट ले रहा है, अब हम इस इनपुट को हम आउटपुट शो भी करवा लेते हैं कि जो वैल्यू हम इनपुट लेगा वो हमें आउटपुट में शो भी करवा दे। सी आउट योर इंटर वैल्यू इज ए। सही है, अब मैं इसको करके देख लेता हूँ कंपाइल। मैं 23 इंटर करता हूँ, ये देखें यूर इंटर वैल्यू इज 23। तो इस तरह हम यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि किस तरह हम कोई भी वेरिएबल में वैल्यू यूज़र से लेके उसमें सेव करवाते हैं और किस तरह उसको आउटपुट करवाते हैं। ये इस लेक्चर के बारे में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।